हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, संडे है। संडे के शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो क्लास 12th का आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्लास 12th का फर्स्ट लेसन है विद्युत बल एवं कूलाम का जो नियम है, इसी से रिलेटेड आप लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसी से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला रहे हैं। आप लोगों को ध्यान से पढ़ाई करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th जो पहला चैप्टर है विद्युत बल एवं कूलाम के नियम, उसी से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम को कांच की छड़ से रगड़ने पर, रेशम सिल्क, सिल्क मतलब रेशम होता है, जब यदि हम रेशम को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होगा? ध्यान दीजिएगा, रेशम को रगड़ा जा रहा है कांच की छड़ से, रेशम को रगड़ा जा रहा है कांच की छड़ से, तो कहता है कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होगा? बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हम रेशम को कांच के छड़ से रगड़ते हैं तो कांच क्या करता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, जिसके कारण कांच के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। अर्थात कांच के छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के कारण कांच के छड़ पर धन आवेश होगा, और रेशम जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए रेशम पर ऋण आवेश होगा और कांच के छड़ पर धन आवेश होगा। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जब जैसे ही रेशम और कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो कांच के छड़ अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है, जैसा कि मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया है। अर्थात इसमें होगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है जो क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में सटाए बिना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सटाए बिना, बिना सटाना है, सटाना नहीं है बच्चे, बिना सटाए हुए, बिना सटाए हुए आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने कैसे हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, आवेश उत्पन्न करने की तीन विधि होती है। एक बच्चे बताया था मैंने चालन विधि, दूसरा बताया था मैंने बच्चे घर्षण विधि, और तीसरा बच्चे बताया था प्रेरण विधि। चालन विधि में तार से जोड़ते हैं, घर्षण विधि में हम लोग वस्तु को रगड़ते हैं, और प्रेरण विधि में एक दूसरे के केवल निकट लाते हैं। तो अगर इस पर प्लस रहता है तो इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी विधि को हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। तो किसी वस्तु को सटाए बिना, किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में सटाए बिना आवेश उत्पन्न करने की विधि हमारा घर्षण विधि बिल्कुल नहीं, चालन विधि बिल्कुल नहीं, प्रेरण विधि होगा, जो ऑप्शन आपका सी होगा। बच्चे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अब देखिए, हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश का मतलब होता है जब आवेश रुका हुआ हो, जब आवेश रुका हुआ रहेगा तो वह क्या उत्पन्न करेगा? देखिए ऑप्शन ए है केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन सी दोनों है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बच्चे मैंने क्लास में भी बताया था कि जब यदि आवेश स्थिर हो, जब यदि आवेश स्थिर हो तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब आवेश गतिशील होता है तब। तो माइंड में बच्चे सेट कर लीजिएगा कि जब आवेश स्थिर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र होगा, लेकिन जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है बच्चे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों सी ऑप्शन होता, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन बच्चे ए होगा, सिर्फ बच्चे आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो सकता है। धन आवेश कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब धन आवेश उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, धन आवेश उत्पन्न होने का एक ही कारण है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, और ऋण आवेश उत्पन्न होने का कारण है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ऑप्शन देखिए ए क्या कहता है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ऑप्शन ए कहता है कुछ प्रोटॉन को जोड़कर, कभी नहीं बच्चे, कुछ प्रोटॉन को निकालकर, ये भी नहीं बच्चे, कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा तो ऋण आवेश हो जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो ऋण आवेश हो जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है
धन आवेश उत्पन्न हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज लगेगा, ऑप्शन डी होगा बच्चे। अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक कूलम आवेश, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कहता है बच्चे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश जो देखिए बच्चे Q बराबर एक कूलम आवेश दे दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात N बराबर वाट दे दिया है, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी, Q के जगह पर आपको लिखना है एक और N हमें निकालना है, और E के जगह पर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। जब यहां से बच्चे N का वैल्यू निकालिएगा तो 1 और ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा बच्चे तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा, अब बटे 1.6। अब क्या कीजिए कि 10 इसमें से एक बाहर निकाल दीजिए और गुने एकरा कर दीजिए 10 के पावर 18 और बटे 1.6, दशमलव काट के ऊपर एगो जीरो, इसको काटिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका ऑप्शन देखिए 1.6 इंटू 10 के पावर 19 है, कभी नहीं होगा, 6.2 गुने 10 के पावर 18, देखिए वही ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे, जो कि ऑप्शन कौन होगा, बी। ये सब गलत ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे माइनस 18 दिया हुआ है लेकिन हमारा प्लस 18 आ रहा था, इसलिए ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का मूल पहचान होता है, आवेश का मूल पहचान हमेशा प्रतिकर्षण होता है, बच्चे याद रखेंगे आवेश का जो मूल पहचान होता है हमेशा प्रतिकर्षण होता है, ये क्लास में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि जो आवेश का जो मूल पहचान होता है वो बच्चे प्रतिकर्षण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम 7 लेके चलते हैं, थोड़ी सी बातों को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए कहता है बच्चे कि एक पदार्थ ए धन आवेश से आवेशित है, ध्यान दीजिएगा एक पदार्थ ए जो है धन आवेश से आवेशित है, यह दूसरे पदार्थ बी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये जो पदार्थ ए प्लस है वो पदार्थ बी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, पदार्थ बी पर संभव आवेश होगा, बी पर कौन आवेश होगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस पे धन आवेश है तो स्वाभाविक बात है इस पर ऋण आवेश होगा, देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, लेकिन बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ऋण आवेश दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, अगर भी उदासीन भी होता है बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि भी उदासीन भी होता है तो ऐसी कंडीशन में भी ये आकर्षित कर लेगा, इसलिए यहाँ पे ऋण आवेश भी होगा उदासीन भी होगा, जो ऑप्शन आपका बच्चे सी लगेगा, दोनों दोनों लगेगा बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लेके चलते हैं, ध्यान दोगे, कहता है किसी स्प्रिंग को धन आवेशित करने पर, ध्यान दीजिएगा किसी स्प्रिंग को धन आवेशित करने पर स्प्रिंग पर कौन सा आवेश होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को धन आवेशित करेंगे प्लस देंगे तो सोचो प्लस प्लस में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा तो स्प्रिंग का आकार कैसा होगा, बढ़ेगा बच्चे बढ़ेगा, अर्थात ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा बच्चे ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों के लिए, किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, ध्यान दो बच्चे ध्यान दो, किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, अभी अब माइनस दे देंगे बच्चे, तो साबुन के बुलबुला है उस पर माइनस आवेश दीजिएगा, तो बताइए माइनस माइनस में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण, बच्चे प्रतिकर्षण होता है बच्चे, आप लोगों को पता है सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण करके बुलबुला का आकार बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पे देखिए बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित, इनमें से कोई भी मारना है बच्चे, ऑप्शन ए मारना है बच्चे, ऑप्शन ए होगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए 10th में हम लेके चलते हैं, ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कहता है, यदि Q1 इंटू Q2 बड़ा है जीरो से, बड़ा है जीरो से, तो कहता है Q1 और Q2 में होगा आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, जरा सोचिए कि Q1 इंटू Q2 बड़ा है जीरो से, कब होगा बड़ा है जीरो से, जब इसका दोनों का मान प्लस में होगा, जब दोनों का मान प्लस में होगा या दोनों का मान माइनस में होगा, जैसे मान लीजिए कि Q1 है और Q2 है, दोनों को गुणा कर रहे हैं, बड़ा आ रहा है जीरो से,
तो या तो ये प्लस में होगा या तो ये भी प्लस में होगा, तो प्लस होने प्लस बराबर प्लस, क्योंकि प्लस का मान बड़ा हो जाता है जीरो से, और माइनस होने माइनस बराबर भी तो प्लस हो जाता है, ये भी तो बड़ा हो जाएगा जीरो से। तो बताइए प्लस प्लस में आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो Q1 गुणे Q2 यदि बड़ा है जीरो से, तो Q1 और Q2 में होगा आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा बच्चे ऑप्शन बी। देखिए जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया, यदि Q1 × Q2 छोटा है जीरो से, यदि Q1 × Q2 छोटा है जीरो से, तो Q1 और Q2 में क्या होगा, तो अभी आकर्षण होगा, क्योंकि Q1 × Q2 छोटा हो जाएगा जीरो से, तो अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस जो कि माइनस जो लेस देन जीरो होता है, और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस जो लेस देन जीरो होगा, इसलिए प्लस माइनस में आकर्षण होता है। जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका लगेगा बच्चे, ए में जो ऑप्शन लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा आकर्षण, प्रतिकर्षण कभी नहीं होगा, दोनों कभी नहीं होगा इनमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ को धन आवेशित करने से, किसी पदार्थ को हम धन आवेशित कर रहे हैं, अब जरा सोचिए बच्चे, किसी पदार्थ को धन आवेशित कब किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम उससे निकालेंगे, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कहता है उसका द्रव्यमान तो थोड़ा सा घट जाएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो द्रव्यमान तो स्वाभाविक बात है घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने से ही ज्यादा ऊपर होता है, तो किसी पदार्थ को जब हम धन आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान स्वाभाविक है घट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा घट जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित इनमें से नहीं बच्चे, थोड़ा सा घट जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में सही कथन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30, निम्नलिखित में सही कथन क्या है, ऑप्शन ए देखिए कहता है प्रकृति में कुल धन आवेश संरचित नहीं बच्चे, केवल धन आवेश संरचित नहीं होता है, संपूर्ण आवेश संरचित होता है बच्चे, धन आवेश अलग और ऋण आवेश अलग संरचित नहीं होता है, संपूर्ण आवेश संरचित रहता है बच्चे, ये ऑप्शन गलत है, प्रकृति में कुल ऋण आवेश ये भी गलत है, प्रकृति में कुल आवेश संरचित होता है, अर्थात ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन बी सही सही है, नहीं बच्चे ऑप्शन सिर्फ सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कहता है बच्चे कि एक पदार्थ 10^15 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो पदार्थ पर आवेश होगा 10^15 इलेक्ट्रॉन, मतलब n बराबर है, n बराबर 10^15 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो कहता है पदार्थ पर आवेश होगा, मतलब q बराबर 8 द्वारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q बराबर बच्चे n ही होता है। अब चलते हैं n का मान, तो n के मान है 10^15 और चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10^-19 कूलम होता है, जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चे तो ये 1.6 का 1.6 10^15 और 10^-19 है, ये सोल्व होगा तो 10^-4 कूलम हो जाएगा। अभी प्रश्न उठता है कि इतना इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर रहा है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है, अर्थात -1.6 × 10^-4 कूलम होगा, जो कि ऑप्शन देखिए सी दिखाई दे रहा है, देखिए बी तो है लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस चार है, और यहाँ पे देखिए 1.6 × 10^-4 है लेकिन एक पर धन आवेश कह रहा है, जो ऑप्शन आपका होगा कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, से निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव है, निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव है, यहाँ पे आपका चार विकल्प दिया गया है, ऑप्शन है 3 × 10^-21, 4.8 × 10^-20 और 3.2 × 10^-18 कूलम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, कौन सा आवेश संभव है, बिल्कुल हम लोग आसानी से समझेंगे बच्चे, क्वांटाइजेशन चार्ज क्यू बराबर होता है एनी, Q के जगह पर अगर मान लीजिए A ऑप्शन रखते हैं तो 3 × 10^-21 और A हम वैसे छोड़ देंगे और E के जगह पर 1.6 × 10^-19, जब हम n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में पूरा पूरा ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा जब नहीं कटेगा तो n का वैल्यू हमेशा आना चाहिए पूर्णांक में, पूरा पूरा आना चाहिए, इंटीजर्स में आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए कभी भी ऑप्शन ए होगा। उसी तरह जब हम ऑप्शन बी रखेंगे बच्चे तो 4.8 × 10^-20 है, तो जब हम इसको जब हम ऑप्शन के रूप में लेके चलते हैं बच्चे तो 4.8 × 10^-20 है, तो Q = Ne कीजिएगा, तो Q के जगह पर 4.8 × 10^-20 और n उसी तरह छोड़ देंगे और E के जगह पर 1.6 × 10^-19, इसको जब हम इधर लाएंगे बच्चे तो होगा 4.8 × 10^-20 /
48। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा और माइनस 20 और प्लस 19 मिलकर 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 1 कीजिएगा तो ऐसी कंडीशन में 3 बटे 10 हो जाएगा जो 0.3 हो जाएगा। अभी भी ये इंटीजर्स नहीं आया। अगर हम इस ऑप्शन पे चलते हैं बच्चे, जब हम इस ऑप्शन पे चलते हैं तो कीप इज इक्वल टू एनी क्यू पे जगह 3.4 इंटू 10 के पावर माइनस 18 इज इक्वल टू 10 उसी तरह छोड़ देंगे और ई के जगह पर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18। जब हम यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा 16 × 32। जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा और प्लस 19 और माइनस 18 मिलकर 10 बचेगा, 10 के पावर 1 बचेगा। तो 2 × 10 के पावर 1 बनेगा 10 × 20। बीस जो कि एक प्रकार का इंटीजर से पूर्णांक है, इसलिए जो ऑप्शन होगा बच्चे वह आपका सी होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जैसे कि आप लोगों को बच्चे पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी करना है। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूट कूलम में, सारा ऑप्शन है एब्सोल्यूट कूलम में। अब कूलम को बदलना है बच्चे एब्सोल्यूट कूलम में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा बच्चे कि एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 10 अस्टैट कूलम होता है। एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम और 10 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 10 अस्टैट कूलम होता है। तो अब बताइए कूलम को हम एब्सोल्यूट कूलम में बदलना चाहते हैं तो देखिए कूलम को हम एब्सोल्यूट कूलम में अगर बदलना चाहेंगे तो बच्चे 10 से भाग देना होगा, 10 से बच्चे भाग देना होगा। जब हम 10 से भाग देंगे तो बटे अगर हम 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि भाग में पावर घटेगा और -19 में से 1 घट जाएगा। तो -19 में से 1 घटेगा तो बच्चे -20 हो जाएगा जो कि ऑप्शन लगेगा ए 1.6 इंटू 10 के पावर -20 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। लगता है सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन के बच्चे अस्टैट कूलम में दे रखा है, अस्टैट कूलम में देखिए ऑप्शन दे रखा है बच्चे। तो उसी तरह हम लोग बनाएंगे। जो आपका कहने का मतलब हम लोग का फार्मूला होता था एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर 10 अस्टैट कूलम। तो अब बच्चे एक बात हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब हम इस कूलम को हम बदलना चाहते हैं अस्टैट कूलम में बदलना चाहते हैं बच्चे। तो देखिए 10 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 10 अस्टैट कूलम। तो यहाँ से 1 कूलम बराबर निकालेंगे तो 3 × 10 के पावर 10 और घटे यहाँ पे 10 हो जाएगा। और चूंकि इतना में निकालेंगे तो गुणा में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब क्या होगा कि 10 से इन्हें 10 कटेगा तो यह आ जाएगा 3 × 10 के पावर 9 × 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। 16 किया करेंगे तो यहाँ से 48 हो जाएगा और 10 के पावर 9 और 10 के पावर माइनस 9 मिलके 10 के पावर माइनस आपका 10 आएगा। कितना आ जाएगा अस्टैट कूलम, जरा ऑप्शन लाने का प्रयास कीजिए बच्चे। 4.10 इंटू 10 के पावर माइनस 10 अस्टैट कूलम जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही क्या है, एब्सोल्यूट कूलम बड़ा है अस्टैट कूलम से, अस्टैट कूलम बड़ा है कूलम से। देखिए यहाँ पे अगर रिलेशन अगर पता करना होगा इसी से पता चल जाएगा बच्चे। एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम और 10 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 10 अस्टैट कूलम है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एब्सोल्यूट कूलम बड़ा होगा, एब्सोल्यूट कूलम बड़ा होगा कूलम से और कूलम बड़ा होगा अस्टैट कूलम से। तो एब्सोल्यूट कूलम जो बड़ा होगा वो कूलम से और कूलम बड़ा होगा अस्टैट कूलम से, जो ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है निम्नलिखित में सबसे छोटा आवेश है। देखिए सबसे छोटा आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश होता ही नहीं है बच्चे, इसलिए सबसे छोटा आवेश बच्चे आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कूलम बल है, कूलम बल है एक केंद्रीय बल है एक विद्युतीय बल है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। कूलम बल दोनों होता है बच्चे, एक केंद्रीय बल भी है और एक विद्युतीय बल भी है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी। हम उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोगों को पता चला होगा। थैंक यू।